तो आप बैंक में जाएंगे ना, तो सबसे पहले जो है आपको ये फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं ये फॉर्म। तो इसी फॉर्म को आपको जो है भरना है और उसके बाद जो है आपको काउंटर में देना है, जब जाके आपको पैसे मिल जाएंगे। तो अब इसको भरना कैसे है प्रॉपरली, चलो इसको देखते हैं। हाय गाइस, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हाउ टू फिल विड्रॉल फॉर्म इन बैंक ऑफ बड़ौदा। देखो, अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है और आप जो है पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं या फिर पैसे निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है आपको बैंक में एक फॉर्म दिया जाता है जिसको आपको भरना होता है, जब जाके आप पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको या तो ये फॉर्म भरना नहीं आता है या फिर वो इस फॉर्म को भरने में मिस्टेक कर देते हैं। हो सकता है आपके फैमिली मेंबर में एक कोई ऐसा हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि किस तरीके से जो है आप विड्रॉल फॉर्म को जो है प्रॉपरली भर सकते हैं। तो चलो मेरे साथ इस वीडियो का एंड तक देखते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो आप बैंक में जाएंगे ना, तो सबसे पहले जो है आपको ये फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं ये फॉर्म। तो इसी फॉर्म को आपको जो है भरना है और उसके बाद जो है आपको काउंटर में देना है, जब जाके आपको पैसे मिल जाएंगे। तो अब इसको भरना कैसे है प्रॉपरली, चलो इसको देखते हैं। तो गाइस, यही है वो फॉर्म है बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालने वाला फॉर्म, यानी कि विड्रॉल फॉर्म, ठीक है, जिसको आपको भर के बैंक में जमा करना है। चलो इसको भरना स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पे लिखा है यह फॉर्म चेक नहीं है, इसके साथ पासबुक जरूरी है। यानी कि जब ये फॉर्म भरोगे तो इसके साथ आपको पासबुक भी लेकर जाना होगा बैंक, जब जाके आपको पैसे मिलेगा, समझ गए। चलो अब क्या करना है कि हमको यहाँ पे भरना स्टार्ट करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है ब्रांच, मैंने कौन सा ब्रांच है, तो मेरा धनबाद ब्रांच है, तो मैं यहाँ पे धनबाद लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपना धनबाद डाल दिया। उसके बाद आप अपना ब्रांच देख लेना, आपका ब्रांच क्या है अपने पासबुक में। उसके बाद देखो यहाँ पे अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर पर पासबुक में देख लो जो कि 11 डिजिट का होता है। तो मैं यहाँ पे एक पासबुक मतलब अकाउंट नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट का हो गया और ये अकाउंट नंबर आपके पासबुक में भी दिख रहा होगा, वही आपको यहाँ पे डाल देना है। चलो उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि आपको कितना पैसा निकालना है बैंक से, उसको रुपीज़ में लिखना है। तो मान लो कि मुझे 5000 निकालना है, तो उसको यहाँ पे रुपीज़ में लिखो, जैसे कि 5000 ओनली, ठीक है, 5000 ओनली हो गया। उसके बाद यहाँ पे डेट, जिस भी डेट को निकाल रहे हो उस डेट को यहाँ पे डेट डालना है। तो मान लो कि जैसे कि आज 1/01, ठीक है, 05 और यहाँ पे 2022, ठीक है, ये डेट है। तो ये अपना डेट, जिस दिन डेट निकालोगे वो डेट यहाँ पे डालना है। उसके बाद जितना पैसा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 5000 ओनली, तो 5000 जो यहाँ पे हम लोगों ने वर्ड्स में लिखा है वही 5000 यहाँ पे नंबर्स में लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने 5000 नंबर्स में लिख दिया, दिख रहा है आपको, 5000 लिख दिया हम लोगों ने, ओके। अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखो ऊपर में सारा काम कर लिया है, अब आपको बचा है यहाँ पे नीचे में। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है सिग्नेचर, तो अगर आपका अकाउंट है, आप अकाउंट होल्डर हैं, तो आपको अपना यहाँ पे सिग्नेचर करना है और यहाँ पे अपना नेम डालना है जो कि आपका पासबुक में है। लेकिन अगर आप मान लो पढ़े लिखे नहीं है और अगर आप अपना अंगूठा का निशान देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना अंगूठा का निशान देना होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे मान लो कि सिग्नेचर करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सिग्नेचर, ठीक है, और उसके बाद मान लो यहाँ पे नाम है, तो मैं अपने यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये नाम हो गया, तो यह नाम मैंने लिख दिया। तो पासबुक में देख के सब कुछ लिख देना। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने सारा कंप्लीट कर लिया है, फॉर्म हमने भर दिया है, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी कुछ बाकी है। क्या बाकी है, देखो यहाँ पे सब कुछ हो गया है, जब भी तुम
जब भी जो है आप निकालने जाओगे पैसे, विड्रॉ करने जाओगे या फिर पैसे निकालने जाओगे बैंक से, तो इसके पीछे में जो है आपसे दो सिग्नेचर कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो सिग्नेचर कर देना है, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस तरह से दो सिग्नेचर आपको कर देना अपने पीछे में, ठीक है। अपना सिग्नेचर यहाँ पे और एक इधर कर देना। लेकिन अगर आप सिग्नेचर नहीं करते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं, और अगर आप अंगूठा लगाते हैं, ठीक है, इस तरह अंगूठा लगाते हैं, तो आप एक इधर और एक इधर दो, या फिर एक इधर एक इधर, कहीं भी आप कहीं भी दो अंगूठा का आपको लगा फिंगरप्रिंट लगाना है, ठीक है। सिग्नेचर करते हैं तो दो सिग्नेचर, अंगूठा लगाते हैं तो दो अंगूठा। ये करने के बाद सिंपली से आप जाके इसको जमा कर देना अपने काउंटर पे, उसके बाद वो लोग जो है इसको वेरीफाई करके जमा कर लेंगे एंड आपको आपका पैसा मिल जाएगा 5,000 रुपये जो भी आपने यहाँ पे डाला होगा, ठीक है। तो ये है इसका पूरा तरीका। तो गाइस देखा आपने कितना ईजी और कितना सिंपल था बैंक ऑफ बड़ौदा के विड्रॉल फॉर्म को भरना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे विड्रॉल फॉर्म को भरा जाता है, और अब जो है आप सीख चुके होंगे और आप जो खुद का फॉर्म भी भर सकते हैं और आप किसी दूसरे को भी गाइड कर सकते हैं इस वीडियो की मदद से। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो बताना जरूर नीचे कमेंट करके। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन है, फिर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना। 100% ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का, और अगर आपको कोई जेन्युइन सवाल हुआ तो आपके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा। गाइस अगर आपके फैमिली मेंबर में किन्हीं का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और अगर उनको नहीं पता कि डिपॉजिट फॉर्म या फिर विड्रॉल फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो उन दोनों वीडियो का मैंने लिंक यहां पे दे दिया है, जाओ उसको देखो एंड फॉर्म भरो।